प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को जो गिफ्ट दिया था, क्या उसमें कोई लोचा है? उसका ऐसा कौन सा राज है जिसके खुलने से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं? क्या उस गिफ्ट में कहीं कोई गड़बड़ी है? क्या वो नकली है या फिर मामला कुछ और है? जी हाँ, एक RTI के जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। सुनने के बाद आप भी थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या छुपाया जा रहा है। पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे और RTI का जवाब भी आपको दिखाएंगे। कहा जाता है कि किसी भी व्यापार का भविष्य भरोसे पर टिका होता है, और जब बात दुनिया की हो तो भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार देश में अपना भौकाल टाइट करने के लिए या फिर विदेशों में भी दिखावा करने के लिए भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही है? जी हाँ, एक अन्य मोदी ने मोदी सरकार पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कथित डकैत के पिता हैं? मद्रास हाईकोर्ट की बातों को सुनने के बाद आप खुद ही फैसला करिएगा। पिछले दिनों सनातन को लेकर राजनीति शुरू हुई, मगर अब मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो चीख चीख कर कहती है कि सच में सनातन पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए। यदि आप महिला हैं या फिर महिला अधिकारों को लेकर जागृत हैं, सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मामला देश की आधी आबादी का है। इसके साथ ही G20 पर भी कुछ विशेष चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या वहां भी ध्यान भटकाने का खेल चालू है। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इसके बार कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद प्ले नहीं हो रही है। बहुत सारे दर्शक कमेंट करके लगातार शिकायत कर रहे हैं, हम भी चला रहे हैं तो वीडियो नहीं चल रही है। अब इसका क्या इलाज है, क्या मर्ज है, हमें कुछ मालूम नहीं है। मर्ज खुद ब खुद पैदा हुई है या फिर किसी के इशारे पर है, यह भी हम नहीं कह सकते। नई दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान एक बार फिर से देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा गया। हालांकि ये दोनों ही हमारे देश का नाम है, इंडिया लिखा जाए या भारत लिखा जाए, मगर इंडिया को हटाकर भारत लिखने पर चारों तरफ विवाद छिड़ा हुआ है। सोचने वाली बात यह भी है कि जो लोग इंडिया शब्द को गुलामी की पहचान बता रहे हैं, वही लोग भारत को भी अंग्रेजी लेटर्स में लिख रहे हैं। गजब का टोपी पहनाने का कार्यक्रम चल रहा है भाई। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से क्रिकेट की दुनिया के बड़े धुरंधर रहे वीरेंद्र सहवाग इंडिया को गुलामी की पहचान बता रहे थे, और ये सब कुछ बताते हुए अंग्रेजी में खटाखट ट्वीट कर रहे थे, और खुद अंग्रेजों के खेल क्रिकेट से उनकी पहचान है। बहरहाल खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को G20 के दौरान डिनर कार्यक्रम में बुलाया गया है, जबकि भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P. चिदंबरम ने लिखा है कि यह सिर्फ उन्हीं देशों में हो सकता है जहां पर लोकतंत्र नहीं है या फिर विपक्ष नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया दैट इज भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां पर लोकतंत्र या विपक्ष नहीं है। वैसे ये सवाल हर तरफ उठ रहा है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या G20 का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है? उधर सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें G20 समिट से पहले पूरे शहर से कुत्तों को अमानवीय तरीके से पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में ठूस कर अनजान जगहों पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि बहुत सारे कुत्ते घायल हुए हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है और वीडियो वायरल है जहां पर बोरियों में भर भर के इन जानवरों को यहां से वहां ट्रांसफर किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन जानवरों को कहां से उठाया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, यानी कि आने वाले वक्त में इन्हें जहां तहां छोड़ दिया जाएगा। और ये सब कुछ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है बल्कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है, जो कि जानवरों के स्थानांतरण को रोकता है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि मोहल्ले में जब कोई नया जानवर भटक कर आ जाता है तो उस मोहल्ले के पुराने जानवर उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। बाकी जिस G20 के लिए इंसानों को जानवर बना दिया गया हो, वहां जानवरों की हैसियत ही क्या रह जाती है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये सरकार हमें इंसान नहीं समझती, अपनी हकीकत और करतूतों को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमें चारों तरफ से कैद कर दिया गया है, पोस्टर बैनर लगाकर और तिरपाल लगा बहुत सारे लोगों को बेघर तक कर दिया गया है। आज G20 के घोषणा पत्र पर सहमति बनी, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन पास कर दिया, भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया है। वहीं चारों तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि रशिया और चीन के प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से खुद को अलग क्यों कर लिया, क्या ये G20 के महत्व को कम करने की कोई प्लानिंग है। बहरहाल अब बात करते हैं उस खबर की जो चौंकाने वाली है। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर थे, अमेरिकी दौरे के दौरान ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मन में बड़ी उत्सुकता जगी कि पहली बार 9.5 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। मगर फाइनली हुआ वही कि हाथी बैठ गई। हालांकि भोजपुरी भेंट वाले समझ गए होंगे कि आगे की कहावत क्या है, हाथी बैठ गई या कुछ और करके चली गई। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक सवाल
का जवाब दिया और उस जवाब में भी जवाब जैसा कुछ था नहीं। बहरहाल अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को एक डायमंड गिफ्ट किया था, हरे रंग का। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि हरे रंग का हीरा बहुत महंगा होता है, बेशकीमती होता है। चर्चाएं ये भी होने लगी कि जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, वहां के प्रधानमंत्री बेशकीमती हीरा कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। एक तरफ गोदी मीडिया बेशकीमती बोलकर माहौल टाइट करने में लगा था और दूसरी तरफ आलोचनाओं का दौर भी चल रहा था। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला, इन्होंने एक आरटीआई लगाया था जिसमें पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को जो ग्रीन डायमंड दिया है उसके बिल का फोटोकॉपी हमें दे दीजिए, यानी कि बिल के माध्यम से उसकी कीमत जानने का प्रयास किया गया था। लेकिन विदेश मंत्रालय के इस पत्र को देखिए और जो जवाब दिया गया है उसको देखिए, जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लिखा है कि आपने जो सूचना मांगी है उसे उपलब्ध कराया जाएगा तो इससे भारत और दूसरे देश के बीच रिश्तों पर असर होगा। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि हमने आपको ग्रीन डायमंड के बिल का फोटोकॉपी दे दिया तो उससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बिल दिखाने से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने जो ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया है बाइडेन की पत्नी को उसमें कोई गड़बड़ी है क्या? क्या वो नकली है या फिर बहुत सस्ता वाला है जिसकी कीमत जानकर बाइडेन की मेहरारू नाराज हो जाएंगी और कहेंगी कि इंडिया वाले ने इतना सस्ता हीरा मुझे दे दिया, मेरी बेइज्जती होगी। और यदि ऐसा नहीं है और ग्रीन डायमंड बहुत महंगा है जैसा कि गोदी मीडिया ने प्रचारित किया था, तो क्या उसकी कीमत इसलिए नहीं बताई जा रही है कि भारत के करोड़ों गरीब ये न सोचने लगे कि इधर हम लोग 5 किलो के लिए लाइन लगाते हैं, एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम खाना मिलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं होता, और दूसरी तरफ हमारे ही पैसों से चल रही सरकार का मुखिया अमेरिका के राष्ट्रपति की मेहरारू को इतना महंगा हीरा दे रहा है। लेकिन सोचने वाली बात भी है कि यदि बहुत महंगा है तब तो रिश्ते खराब होने का कोई चांस नहीं है, तब तो बाइडेन वो और खुश हो जाएंगी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने मुझे इतना महंगा हीरा दिया है। हकीकत चाहे जो भी हो, इस ग्रीन डायमंड का राज चाहे जो कुछ भी हो, मगर भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब ने सच में चौंका दिया है कि पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट किए गए हीरे की कीमत बता देने से, यानी कि उसका बिल दिखा देने से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ जाएगा। मगर चूंकि आप सब जानते हैं कि कई साल पहले ही मोदी सरकार ने जब आरटीआई के पंख कतरने शुरू किए थे तभी बुद्धिजीवियों ने यह सवाल उठाया था और कहा था कि अब सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने से बच सकती है देश की सुरक्षा का हवाला देकर या फिर विदेशी संबंधों का हवाला देकर। उस वक्त भी यह कहा गया था कि यह चोर की दाढ़ी में तिनका है, सरकार सूचनाएं छुपाना चाहती है, अपने ही देश की जनता को धोखे में रखना चाहती है, अंधेरे में रखना चाहती है, इसीलिए आरटीआई के पंखों को कतरा जा रहा है। और अब तो यहां तक कहा जाता है कि आरटीआई लगभग आईसीयू में डाल दिया गया है। बाकी लोकतंत्र की अम्मा रोज 2 इंच मोटा रही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता या धंधा या बिजनेस भरोसे पर टिका होता है। पिछले कई सालों से भारत को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि भारत की सरकार गलत आंकड़े प्रस्तुत करती है, यदि करती है तो। वैसे तो भारत से संबंधित बहुत सारे आंकड़े भारत के लोगों के लिए मोदी सरकार प्रस्तुत ही नहीं करती है। न तो इनके पास ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या है, न तो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, और इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो रात भी जाएगी। लेकिन इस बार मोदी सरकार पर एक मोदी ने ही बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अर्थशास्त्री और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति के विजिटिंग प्रोफेसर अशोक मोदी का कहना है कि भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े भ्रामक हैं तथा आय और व्यय दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल से जून तिमाही में भारत की साल दर साल जीडीपी वृद्धि 7.8% रही। हालांकि विशेषज्ञों ने बढ़ती असमानता, नौकरियों की कमी और विनिर्माण नौकरियों में गिरावट जैसे मुद्दों को रेखांकित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। यानी कि जो चर्चा पहले से चलती आ रही है आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने की, उसी तरह की बात फिर से सामने आई है। बने रहिए, आगे सनातन पर बड़ी खास चर्चा करनी है। उधर मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि नेताओं द्वारा आम आदमी की जमीन हड़पना दिन दहाड़े डकैती की तरह है। दरअसल एक वृद्धा की याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें कहा गया कि डीएमके वार्ड सचिव 13 साल से अधिक समय तक वृद्धा की भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए थे। इस पर अदालत ने कहा कि राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके एक शक्तिहीन आदमी से जमीन छीनना दिन दहाड़े हुई डकैती के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे मद्रास हाईकोर्ट को यदि थोक के भाव में दिन दहाड़े वाली डकैती देखनी हो तो यूपी बिहार जैसे राज्यों में चले जाना चाहिए, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर कुछ दिन पहले ही वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर जमीन हड़पने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने खूब बवाल मचाया, यहां तक कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का बेटा जमीन हड़प रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे याद नहीं अब तक कितने लोगों ने जमीन हड़पने के मामले को लेकर मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन पर अपनी समस्याएं बताई है, मगर मामला वही है, हम कर भी कह सकते हैं। चारों तरफ से ये आरोप लगते हैं कि दबंग लोग जो राजनीतिक रूप से बड़ी पहुंच वाले हैं वे गरीबों और मजदूरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, कमजोरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, फर्जी मुकदमों में फंसा देते हैं। गरीब आदमी मुकदमेबाजी और थाना कचहरी अस्पताल दौड़ते दौड़ते एड़ियां घिसकर बैठ जाता है, मजबूर आदमी कर भी कह सकता है और नेताओं की डकैती चलती रहती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये काम सिर्फ बीजेपी के लोग ही करते हैं, मगर ये कहना सही होगा कि ज्यादातर वर्तमान सत्ता के लोग ही शामिल होते हैं।
हालांकि दबंग दबंग होता है, सत्ता किसी की रहे, दिन दहाड़े डकैती चलती रहती। उधर आंध्र प्रदेश से खबर आ रही है कि कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि 5500 करोड़ के कथित घोटाले के संबंध में ये गिरफ्तारी हो गई है, जो कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान का बताया जा रहा है। वैसे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली में डिनर के लिए बुलावा पत्र तक को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। आप सबको तो पता ही है कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के साथ सरकार में है, उनको कांग्रेस से अलग करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। पिछले साल भी घंटों तक पूछताछ की गई थी। इस बार लगातार 3 बार ईडी ने समन भेजा, 2 बार हेमंत सोरेन नहीं गए और 3री बार जब जाना था तो उसी टाइम पर दिल्ली में G20 में डिनर के लिए जाना है। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कहीं दिल्ली में डिनर के वक्त ही ईडी के संबंध से छुटकारा तो नहीं मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग इशारा समझ रहे होंगे। ईडी से छुटकारा कैसे मिलता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। हाल ही में आपने देखा था महाराष्ट्र में किस तरीके से अजीत पवार और उनकी पत्नी को धाए धाए चार्जशीट से उनका नाम बाहर कर दिया गया, और वो नेता जो अभी भी शरद पवार के एनसीपी में है उनका नाम शामिल है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। ये मामला देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और उसके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, मगर सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि उस आधी आबादी ने खुद ही इन सारी बुराइयों को अपना लिया है और वे खुद भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की। पिछले दिनों खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के पन्ना महारानी के विधवा होने की वजह से जुगल किशोर मंदिर में श्री कृष्ण आरती करने से रोका गया और गर्भगृह में घुसने से भी रोका गया। इसके बाद घसीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद महारानी पर FIR करके गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जब तक पन्ना के महाराज जीवित थे तब तक उनके बिना पूजा शुरू नहीं होती थी। संभवतः पिछले साल उनकी मौत हो गई, लेकिन इस बार जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, जिस तरह से एक महिला को मंदिर से घसीटते हुए बाहर निकाला गया और जैसा दुर्व्यवहार किया गया, वो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं हो सकता। यदि आरोपों को सही माने तो महिला को विधवा होने की वजह से मंदिर से बाहर फेंक दिया गया और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया, FIR भी दर्ज। हालांकि हम सब जानते हैं कि महिलाएं जिनके पति इस दुनिया में नहीं है उनके साथ किसी भी शुभ कार्यक्रम में कैसा बर्ताव किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि विधवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में सबसे आगे महिलाएं ही होती हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जातीय भेदभाव और छुआछूत को लेकर तथा इंसान को इंसान न समझने को लेकर सनातन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद बहुत सारे लोग मैदान में आ गए, किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी तो किसी ने 10 करोड़ का इनाम रख दिया, मगर उनमें से क्या कोई भी जवाब देगा कि यदि किसी महिला का पति इस दुनिया में नहीं है तो इसमें महिला का क्या कसूर है? क्या पति के गुजर जाने के बाद महिला का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, वो इंसान नहीं रह जाती है? क्या एक विधवा महिला के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार किसी विधुर पुरुष के साथ भी किया जाता है? यानी ऐसा पुरुष जिस की पत्नी गुजर गई हो, क्या उसके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है? मेरी जानकारी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पुरुष जिसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है, मगर कथित रूप से जिस तरीके से विधवा होने के कारण पन्ना महारानी को मंदिर से बाहर फेंका गया, वो सवाल पैदा करता है कि क्या कोई भी धर्म महिलाओं और पुरुषों के साथ इस कदर भेदभाव कर सकता है? और यदि कर सकता है तो फिर ऐसा धर्म किस काम का? दलितों और पिछड़ों को अधिकार देने की बात तो बहुत दूर की है, यहां तो तथाकथित ऊंची जातियों की महिलाओं के साथ भी शर्मनाक व्यवहार सामने आ रहा है और ये सदियों से आ रहा है। और ये बात कोई नई नहीं है, सती प्रथा से लेकर अन्य बहुत सारी बुराइयां इस धर्म का हिस्सा रही हैं। समय के साथ साथ ये बुराइयां आईं और समय के साथ साथ उनका समापन भी हुआ। ये सच है कि समापन के वक्त बहुत सारे कथित ठेकेदारों ने इसका विरोध भी किया, मगर उन ठेकेदारों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि राजा के जीवित रहते जिस महारानी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी, राजा के न रहने पर उस महारानी की कीमत रत्ती भर भी नहीं रह जाती है, उस महिला की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती है और कीमत इस कदर गिर जाती है, सम्मान इस कदर गिर जाता है कि मंदिर से घसीट कर बाहर फेंक दिया जाता है। यहां बात किसी धर्म की नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की है, देश की आधी आबादी की है, मगर सबसे दुखद बात यह है कि वो आधी आबादी ही खुद की दुश्मन बनी हुई है। कहीं किसी शुभ कार्यक्रम में यदि कोई विधवा महिला गलती से भी पहुंच जाए तो सबसे पहले कानाफूसी महिलाओं के बीच ही शुरू हो जाती है और महिलाएं ही किसी न किसी बहाने से उस विधवा महिला से किनारा करती हैं, उसे अलग करती हैं। बहरहाल इन सभी सामाजिक बुराइयों पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है, इन्हें समाज से बाहर करने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब पीड़ित वर्ग खुलकर सामने आए और हजारों सालों के दमन से खुद को अलग करें, क्योंकि आवाज हमेशा पीड़ित को ही उठानी पड़ती है। पीड़ित करने वाला कभी थाली में सजाकर अधिकार नहीं देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।